हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बनाएंगे सेवइयाँ, बहुत से फटाफट से बन जाएंगी। तो आज हम बनाएंगे मसाले वाली सेवइयाँ। तो मैंने सेवइयों को ली है, ये हमारी भुनी हुई सेवइयाँ नहीं है, तो हम इनको थोड़ा भूनेंगे ब्राउन होने तक। पैकेट में भुनी हुई सेवइयाँ भी आती हैं, लेकिन ये हमारी भुनी हुई सेवइयाँ नहीं हैं। तो मैं इनको अच्छे से भूनूंगी, लगभग 3 से 4 मिनट में लगेंगे भूनने में। तो मैं इनको पहले भूनूंगी, उसके बाद बनाऊंगी, तभी मैं अपने सेवइयों को ब्राउन होने दूंगी। तो हमारी सेवइयाँ अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, मैंने एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो मैंने अपनी सारी सेवइयाँ बर्तन में निकाल ली। इसके बाद मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। ऑयल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो मैंने इसमें 2 चुटकी हींग डाल दी। इसके बाद मैंने जीरा डाल दिया, जीरे को भी हम अच्छे से चटकने देंगे 1 मिनट के लिए। अच्छे से चटकाएंगे अपने जीरे को। तो हमारा जीरा भी अच्छे से चटक चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया कटी हुई लंबी लंबी प्याज। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी बारीक प्याज कट कर सकते हैं। तो प्याज को भी हम थोड़ा ब्राउन और सॉफ्ट होने देंगे। तो प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी पत्ता गोभी, इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दी है। सारी सब्जियों को हम पहले सॉफ्ट होने देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए हम सारी सब्जियां ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके बाद मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है इसमें, इसको भी हम हरी मिर्च ऐसी चीज़ों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हमारी सारी सब्जियां हो गई थी सॉफ्ट। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर। इसके बाद मैंने डाले इसमें धनिया, गरम मसाला, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मसाले डाल सकते हैं। तो मैं सारे मसाले भी इसके साथ ही भून लूँगी, इससे हमारे मसाले भी भुन जाएंगे और हमारी सब्जियां भी अच्छे से हो जाएंगी सॉफ्ट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में इस तरीके से चटपटी सेवइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने सेवइयाँ भून के रखी थी, वो मैंने अपनी सेवइयाँ इसमें ऐड कर दी हैं। इनको भी हम अच्छे से पहले चलाएंगे बढ़िया तरीके से। तो मैंने अपनी सेवइयों को अच्छी तरीके से चला दिया था। इसके बाद मैंने आधा कटोरी पानी ऐड किया, जिससे मैंने सेवइयाँ ली थी एक कटोरी, इसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी इसमें ऐड किया। उसके बाद पानी कम था, तो मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम पानी इसमें और ऐड कर दिया, लगभग 1.5 कटोरी से कम ही था पानी। बाकी आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ बिल्कुल इसमें डूबी नहीं है। इस अकॉर्डिंग आप भी अपना पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालोगे तो गीली हो जाएंगी, इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मैं इनको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। अभी तो मैं इनको ऐसे ही चला रही थी, पहले पानी उबाल आने के बाद फिर मैं इनको 2 मिनट के लिए ढकूंगी। ढकने से क्या हुआ, ये फटाफट से बन जाएंगी, इससे हमारी मटर भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी सेवइयाँ भी अच्छी तरीके से पक जाएंगी। तो मैं इनको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो हमारे 2 मिनट हो चुके थे, तो मैं इनको एक बार खोल के देखती हूँ। तो हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक चुकी थी, मटर भी हमारी गल गई थी बढ़िया तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें पानी था हल्का सा, तो मैंने इनको खुला भी 2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाया था। तो हमारी सेवइयाँ बिल्कुल ही अलग अलग नूडल्स की तरह एक एक सेवइयाँ हमारी हो गई थी, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। बाकी आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े घर में सारे खुश हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हरे धनिए। धनिए तो इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मैं धनियों को ऐड करने के बाद फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए चलाऊंगी।
हमारी सेवइयाँ एकदम से फटाफट बन के रेडी हो गई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से, लोग 6 से 7 मिनट में आपकी सेवइयाँ बन के रेडी हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है।